हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलाई कैसे सीखे में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे स्लीव्स डिज़ाइन। ये स्लीव्स डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा है और आप बहुत आसान तरीके से इसको बना सकोगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये हमने बुकरम ली है। बुकरम इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। आप 3 और 3.5 इंच के बीच में ये पट्टी की चौड़ाई रख सकते हो। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। हमने इस तरीके से फोल्ड कर ली। अब हम इसको यहाँ पे 1 इंच छोड़ के निशान लगाएंगे और 1 इंच हम इधर की साइड से छोड़ देंगे, निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बाकी का जो ये बचा हुआ है ये हमें 2.5-2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा 2.5 इंच पे निशान लग गया एक, और 2.5 इंच पे हम दूसरा निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे हम ये वाला निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे हम ये वाला निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे हम ये वाला निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे हमारा ये वाला निशान बैठ रहा है। एक या दो पॉइंट अगर आपका इधर से जो हमने 1-1 इंच दोनों तरफ से लिया है, अगर एक या दो पॉइंट आपका कम ज़्यादा बैठ रहा है तो इसका कोई फर्क नहीं होगा। अब हमने निशान लगा लिया 2.5-2.5 इंच के। अब हमें जो 2.5 इंच के निशान लगाया था, अब हमें इनके बीच में बिल्कुल बीच में निशान लगाना है। यहाँ पे हमने निशान यहाँ पे बीच में लगा लिया, एक बीच में इधर लगा लिया, यहाँ पे एक इधर लगा लिया बिल्कुल बीच में, एक इधर और एक यहाँ पे। ये बीच में जो हमने निशान लगाया, हम इस बीच के निशान को 1-1 इंच इस तरीके से हम 1 इंच इसकी चौड़ाई में ले लेंगे। इस तरीके से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे जो हमने बीच में ये जो निशान लगाया था 2.5 इंच के बीच में निशान जो लगा था हमारा, इसको हम 1-1 इंच का बढ़ा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने इस तरीके से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमने ये निशान लगा लिए हैं 1-1 इंच पे। अब हम इसको जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये वाला जो हमारा निशान है, और इसको इस तरीके यहाँ से शुरू करेंगे। ये इस तरीके से गोलाई में इसको ऐसे कर देंगे और इधर की तरफ से भी इसको गोलाई में इसी तरीके से ऐसे कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया है इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे और इधर की साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। अब हम इसको भी इस तरीके से करेंगे और इधर की साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। हम अपने सभी निशान को ऐसे ही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने निशान लगा लिए हैं, ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन्हीं निशान से इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम ये निशान जो हमने निशान लगाया है नीचे नीचे ही कटिंग होनी चाहिए, ऊपर की साइड से कटिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम अपने सारे निशान जहाँ जहाँ पे निशान लगाया पूरा उसको काट लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो ये हमारा डिजाइन कट के बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हम बुकरम को रखेंगे, जो हमारा डिजाइन बना हुआ है इसको रखेंगे। और अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलना इसको।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलना इसको। और इसको इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक कि हम पूरा सील लेंगे इसको। हमने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए, यहाँ पे मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया और इसको ऐसे फोल्ड करके इसके चारों तरफ पूरी पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको स्लीव के ऊपर रख के इसको सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमने ये हमारी स्लीव्स है, हमने ये बीच में यहाँ पे पहले से इसको प्रेस करके सेट कर रखा है। आप इस पर निशान भी लगा सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर की साइड सिलाई का छोड़ते हैं, थोड़ा नीचे की साइड का सिलाई में छोड़ते हैं, सिलाई के लिए छोड़ते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पे एक रफ सिलाई लगा लेंगे। पूरी सिलाई लगा दें हम इस तरीके से। यहाँ पे हमने पूरी सिलाई लगा ली अपनी। अब इसको यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मतलब किनारे 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 में सिलाई लगानी है यहाँ पे। आराम आराम से यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने पूरे डिजाइन पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें ध्यान रखना है जो हमारी बीच की जो सिलाई है ये सिलाई ना कटे,
जो हमने साइड में ये जो सिलाई लगाई है हमने डिज़ाइन के ऊपर, तो ये सिलाई हमारी ना कटे बीच में से, हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हम इस कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले हल्का सा कट लगाएंगे बीच में इस तरीके से, ऐसे हमने कट लगा लिया है। और सबसे पहले हम इसको बिल्कुल सीधा काटेंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारी जो सिलाई है डिजाइन वाली वो ना कटे, बहुत ही ध्यान से हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ तक ऐसे। अब हम इसको साइड में से इसकी सिलाई वो साइड में इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा साइड में कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे, इस तरीके से साइड में थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने इसमें साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कटिंग किया, इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे हम इसको, और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे डिजाइन को। तो फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा करके हमने इसको प्रेस से सेट कर लिया है, और हमने यहाँ पे इस साइड यहाँ पे तुरपाई कर ली है। ये तुरपाई की हमने यहाँ पे, और इसको प्रेस से हमने सेट कर लिया है। अब हम इस पर बटन लगाएंगे, यहाँ पे बटन लग जाएंगे इस पर, और हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बटन लगा लिए हैं और हमारा स्लीव डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।